जलमी विल डेफिनेटली अपने फैंस के मायार पे उतरेंगे और इंशाल्लाह जो चॉइसेस और जिस तरीके से हमारी कल मैनेजमेंट की मीटिंग हुई जहीद भाई ने जिस तरीके से सपोर्ट किया अकरम ने यूनुस खान ने इंशाल्लाह वी विल कम अप विद अ वेरी गुड न्यूज एंड टुडे वी हैव अनदर स्पेशल गेस्ट एज वेल जो पिछले महीने सवाबी में बॉल लगने की वजह से फौत हो गए थे वो बच्चा जो था उनके छोटे भाई को और उनके वालिद साहब को वो आज हमारे साथ मैच में होंगे इंशाल्लाह थैंक यू बिल्कुल लाला की कंट्रीब्यूशन थी और ना कि सिर्फ जलमी के हवाले से बल्कि ओवरऑल क्रिकेट रिटर्निंग टीम में जितने भी शाहिद आफरीदी की लाला की कंट्रीब्यूशन थी वो किसी से ढकी चुकी नहीं एंड विल डेफिनेटली मिस हिम बट वी हैव अ वेरी गुड स्क्वाड अपने हमारी मैनेजमेंट देख ली एंड इंशाल्लाह विल कम अप विद अ वेरी गुड न्यूज सेकंड क्वेश्चन सॉरी आपका डेफिनेटली आपने कल अगर जहीराबाद साहब की इंटरव्यू सुना हो तो उसमें उन्होंने इसी चीज़ के बारे में नोटिफाई किया कि बिल्कुल वी विल कम अप विद न्यू चैलेंज और अगर आप देखें हसन अली को देखें अजहर को देखें कि जमीन है बाकी अगर जमीन का मतलब है कि जवान तो जाहिर बात है वी हैव टू ब्रिंक द यंग टैलेंट फ्रॉम ऑल अक्रॉस फ्रॉम दोज एरिया जहाँ से बाकी ज़रूरत है पाकिस्तान को ज़रूरत है खैबर पख्तूनख्वा में पाटा में अहमदाबाद में इंतहाई ज़्यादा टैलेंट है लेकिन एक तो हम इस तरीके से टैलेंट हंट कर नहीं सकते जिस तरीके से ये और फ्रेंचाइजी करते हैं क्योंकि एक वहाँ पे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ग्राउंड्स नहीं है बट व्हाट वी डिड सो फार मैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो हमने अनाउंस किया हुआ था 100 पिचेस की अनाउंसमेंट 70% कम्प्लीट हो चुकी है और उसकी कम्प्लीशन भी इंशाल्लाह जहीर भाई उसकी इनाग्रेशन के लिए यूनुस खान उसकी इनाग्रेशन के लिए इंशाल्लाह दे वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा और उसको इनाग्रेट करेंगे वो एक बहुत बड़ा माइलेज है हमारे लिए आप उस 100 पिचेस को रोजाना तकरीबन 10 से 15 हज़ार बच्चा जब खेलेगा और उस वो पिचे जो इंटरनेशनल लेवल के पिचे हैं उसके साथ हमने उनकी नेट्स प्रोवाइड की इक्विपमेंट्स उन बच्चों को देना और प्लस ये अगर आप रिसेंट जो एक और बड़ी कंट्रीब्यूशन जर्मी कैंप से थी अंडर 19 में जो हमारे 5 से 6 बच्चे खेल रहे थे मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है और ये क्रेडिट हमारी मैनेजमेंट को जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में पाटा में क्रिकेट को शुरू किया बिल्कुल देखेंगे विल सी बिकॉज कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही हैं कि कुछ प्लेयर्स इसलिए अवेलेबल नहीं है कि उनके किसी के वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड हैं किसी की क्या है तो हमने अपनी मैनेजमेंट ने इंशाल्लाह तैयार किए हैं राज आएंगे बिल्कुल डायरेक्ट सभी 2 साल से राज आ रहे हैं तो ये विल द कैप्टन जैसे हमने कल अनाउंस किया और दे आर लकी काम फॉर अस बिल्कुल प्लेयर्स को मजबूर हमने नहीं किया और उनको पाकिस्तान हम बड़े प्यार से लेके आए और उन्होंने वही पाकिस्तान जो एक्चुअल पाकिस्तानी रेजोल्यूशन क्रिकेट रेजोल्यूशन हमने पास करना था वो PSL की फाइनल थी और उसके बाद फिर आपके पास वर्ल्ड 11 आया उसके बाद फिर आपके पास श्रीलंका की टीम आई डेफिनेटली उसी स्पिरिट के साथ उसी पैशन के साथ जर्मी अपने ग्राउंड में उतरेगी और भरपूर तैयारी के साथ इंशाल्लाह थैंक यू सो मच जवानों का है तो हम सबसे ज़्यादा